वह जो विश्वानंदिनी लाडली जी हैं, स्वस्या सरस्या तटे अपनी सरसी राधा कुंड के तट पर निकुंज गृह, राधा कुंड के तट पर प्रियालाल के मिलने के लिए जो अद्भुत कुंज हैं, नवनिर्मित निकुंज जो सखियों द्वारा बनाए गए हैं, राधा कुंड से तटे निकुंज गृह कुसुम भावित भूषण। जब प्यारे श्याम सुंदर गोचारण करने के लिए आते हैं तो मैया यशोदा बहुत सुंदर मणिमय श्रृंगार करती हैं प्यारे श्याम सुंदर, लेकिन जब निकुंज वन में प्यारे श्याम सुंदर आते हैं तो सब उस मणिमय आभूषण को हटा देते हैं। अपने हाथ से प्रिया जी पुष्प से आभूषण बनाती हैं, कुसुम भावित भूषण। प्रिया जी के द्वारा प्यारे श्याम सुंदर का श्रृंगार किया गया, पुष्पेण प्रकटित तद विभूषणम अलंकार साधनम मुकुटादि तम त्वया साकम प्रिय श्रृंगारितम विदधति श्रीकृष्ण भूषितम कुर्वति सति किम हा हा मदोक्षणम गोचरम भविष्यसि। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं क्या ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा कि प्रिया जी के द्वारा श्रृंगारित श्री विग्रह राधा माधव श्री प्यारे श्याम सुंदर का मैं अपने नयन मदीक्षण गोचरम किम, क्या मैं अपने नेत्र से उस श्रृंगार का दर्शन कर पाऊंगी। रघुनाथ दास गोस्वामी बाद कल हम लोग कथा श्रवण किए थे कि रूप मंजरी के कंधे पर बामा हाथ को रख करके प्रिया जी अभिशाप कर रहे हैं, भयानक से भयानक विपत्ति को दूर करती हुई प्रिया जी चिलचिलाती धूप में अभिशाप कर रही हैं। प्यारे श्याम सुंदर से मिलने की जो उत्कट अभिलाषा है, उस अभिलाषा के आगे भयानक व तप्त बाल का धूप से जो पृथ्वी बिल्कुल तापित हो गई है उस पर भी ठंडा लग रहा है, बहुत तीव्र गति से चल रही है। उसी समय उनका अचानक स्फूर्ति विराम हुआ और हाहाकार करने लगे, विलाप करने लगे कि हा प्रिया जी उस रूप का दर्शन मुझे कैसे प्राप्त होगा। आचार्य चरण कह रहे हैं कि यही राधा दासियों का सबसे उत्कृष्ट साधना है, जिस रस को अन्य लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ तक कहें ललितादि सखियों को भी वह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है जो सौभाग्य मंजरियों को प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक कि प्रिया प्रियतम की कैली निकुंज में जिस रस का स्वादन सखीगण अपने कुंज रंध्र से करती हैं, वहाँ अंदर नहीं जाती, और प्रिया प्रियतम को उस विलास में जो पसीना आ जाता है, उस पसीना को शांत करने के लिए मंजरियाँ कुंज में प्रवेश कर जाती हैं और प्रिया जी के नेत्र संचार के द्वारा उन लोगों को सेवा भी प्राप्त हो जाती है। वही यहाँ पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी उस रस का अनुभव कर रहे हैं। एक कुंड क्या है, राधा कुंड तो साक्षात प्रिया जी ही प्यारे श्याम सुंदर को सुख देने के लिए जल रूप में वास करती है। चैतन्य चैतन्यमृत में तो कहा गया है कुंडे र माधुरी जेन राधा र मधुरी मा, एक कुंड जैसा है, एक कुंड कैसा है जैसा राधा रानी की महिमा, और इसकी महिमा कितना है जितना प्रिया जी की महिमा। राधा रानी की जितनी महिमा है उतना कुंड की भी महिमा। यहाँ तक कि चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं
सेई कुंडे एक बार जे करे स्नान, एक बार भी यदि कोई स्नान कर लेता है, तारे राधा सम प्रेम कृष्ण करेगा, उसको प्यारे श्याम सुंदर कृष्ण के समान, समान का अर्थ होता है आचार्य गण टीका में लिखे हैं मंजरी भाव की प्राप्ति हो जाती। राधा रानी को जितना श्री कृष्ण से प्यार है उतना प्यार यहाँ प्रिया जी को, अरे मंजरियों को राधा रानी से, राधा रानी के समान। तो देखिए लीला में वर्णन करते हैं कि प्रिया जी आ रहे हैं, अभिसार करते हुए आ रहे हैं वृंदावन की, माधुरी का दर्शन करते हुए वृंदावन के इस ब्रज के एक लता पता का स्पर्श करते हुए जा रहे हैं। सघन कुंज में प्रवेश करती है लेकिन एक कुंज प्रिया जी को कष्ट नहीं देता है, रास्ता छोड़ता जाता है, क्योंकि ये वृंदावन के जितने भी कुंज हैं, वन हैं, उपवन हैं, ये प्रिया जी की प्रसन्नता के लिए ही, आनंद के लिए ही है। प्रिया जी निविड़ से निविड़ जंगल में प्रवेश कर रहे हैं लेकिन ये जंगल अपना रास्ता देता जाता है, कष्ट नहीं देता है, अंग का स्पर्श हो ऐसा नहीं। उसी समय दर्शन हुआ वृंदावन निकुंज का, राधा कुंड के अंदर निकुंज है, उसी में राधा माधव निभृत निकुंज है। सखियां प्रियालाल की प्रसन्नता के लिए नई नई कुंज निर्माण करती हैं। तो प्रिया जी कहती हैं, धनिष्ठा से कहती हैं, गोविंद लीलामृत में आचार्य चरण कहते हैं कि प्रिया जी उस वन को देखी तो देख करके कहती हैं, प्रिया जी कहते हैं कि मिदं मयि धनिष्ठे पुत्र किं पश्यताग्रे। प्रिया जी कहते हैं अरे धनिष्ठे किम इदम, अरे धनिष्ठे ये क्या दिख रहा है, क्या है? तो धनिष्ठा कहती है पुत्र कहाँ, कहाँ क्या है? तो कहती है किम पश्यताग्रे, आगे तो देखो ये क्या दिख रहा है। तो धनिष्ठा कहती है बल दिख क्या रहा है, बल दिख रहा है, बनमिदमी है, ये तो बन है, तो बन में क्या दिख रहा है, किम तपि, बन में क्या तुमको दिख रहा है? तो कहते हैं वन में जात, वन में रहने वाले पेड़ पौधे लता पता पशु पक्षी मयूर मरकट बंदर इत्यादि दिख रहे हैं, तो न अन्य कोई दूसरा कुछ नहीं दिख रहा है। तो धनिष्ठा कह रहे नहीं हमको तो कुछ नहीं दिख रहा। प्रिया जी कहती हैं नटन मिदम पूर्वं जत्सस्थेन पुरस्तात, क्या तुमको नहीं दिख रहा है ये सठ धूर्त राज सामने त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़ा होकर के मयूरों के साथ नृत्य कर रहे हैं, तुझको नहीं दिख रहा है? राधा रानी कह रहे। तब धनिष्ठा कहती है कलयसि नहि धूर्ते मुद्रिता छि किमारी। धनिष्ठा कह रही सखी अपने नेत्र तो पहले बंद कर लो, क्योंकि प्रिया जी जब जंगल में अभिसार कर रही हैं और अभिसार करते करते तद्भाव भावित होकर श्याम सुंदर की प्रत्येक लीला स्मरण करते हुए जा रहे हैं, तो आंख मुंदी है उसी समय बंद रह पा रहे क्या, नेत्र मुंद करके सब लीला उपस्थित हो गया। तो धनिष्ठा कह रही है नेत्र तो खोलो क्या दिख रहा है। यही रघुनाथ दास गोस्वामी प्रिया जी का चिंतन करते करते इतना गाढ़ चिंतन करते हैं कि वो लीला तुरंत स्फुरण हो जाता है। स्फुरण ही नहीं होता है, उस सेवा में प्रवेश हो जाता है। अब प्रवेश ही नहीं, प्रिया जी अपने नेत्र संचार के द्वारा आदेश भी दे देती हैं यदि तुलसी तुम्हें सेवा करो। तो ये भ्रम दोनों तरफ होता है। देखिए राधा कृष्ण जो है ना, ये आचार्य लोग वर्णन करते दो वस्तु नहीं, जैसे एक ही चना के दाल में दो दल है तो कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं, कहने के लिए चना कहा जाएगा, लेकिन द्विदल कहने से भी पता चल जाएगा कि दो दाल है, लेकिन दो है नहीं एक ही। प्रियालाल दो वस्तु नहीं, एक ही, एक चना के अंदर ही दो दाल छिपा हुआ।
न कोई काम है न अधिक है, अपने को स्वादन करने के लिए ही दो रूप धारण कर लिए। आप लोग पूर्वाचारों को पहले देखिए, श्री चैतन्य महाप्रभु के पूर्व शास्त्रों में कहीं भी राधा रानी का बहुत कम चर्चा है, कहीं है नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा कहीं देखने को मिलता है। प्रश्न तो यहाँ तक लोग ही करते हैं कि भागवत में तो कहीं राधा रानी का नाम है ही नहीं, लेकिन ये भागवत इतना सुदृढ़ ग्रंथ है, इसमें सिद्धांत परक, लीला परक, रस परक सब बना हुआ। इसमें यदि कोई राधा रानी का नाम लिया ले दिया जाता है तो रस का संचार नहीं होता। राधा रानी का नाम है भागवत में, लेकिन बिल्कुल छिपा करके रखा गया। जैसे महामंत्र के में हरे कृष्ण में राधा रानी है, लेकिन छिपाया गया, और छिपाने से इसका महत्व और अधिक बढ़ेगा, क्योंकि वैदिक मंत्र की एक परिपाटी है कि मंत्र को यदि परोक्ष रूप से जैसे छिपा करके यदि कहा जाता है तो जितना गुप्त रखा जाता है उसकी उत्कृष्टता उतना ही बढ़ती है। गोविंद लीला कृत में देखिए, श्याम सुंदर की भी प्रेम वैचित्र्य का वर्णन आचार्य चरण कहते हैं। श्याम सुंदर अभिसार कर रहे हैं, प्रिया जी के द्वारा संकेत स्थल में पहुंचना चाहते हैं, उसी समय देखते हैं किमकांते कुल देवता किमुतवार। श्याम सुंदर अचानक जाते जाते रुक जाते, एक झूठी पुंज का दर्शन होता है। तो श्याम सुंदर कहते हैं कि ये कौन है, ये कोई कांति युक्त क्या है, क्या ये हमारे कुल की देवता है कोई किमुतवार, ये आखिर में क्या है, एक कांति समूह कहाँ है, अर्थात तो कहते हैं ना कि वो तारुण्य लक्ष्मी नियम, क्या ये तारुण्य अमृत की लक्ष्मी ही हमारे सामने प्रकट हो गई, कि देवता है कि ये कोई तारुण्य अमृत लक्ष्मी है, कि यह माधुरी की संपत्ति है, क्या लावण्य अमृत ही है। लावण्य संस्कृत में लवण से लावण्य बना, लवण माने नमक होता है, जिसका नाम लेते हैं जीव से पानी है, लवण लावण्य अमृत। क्या ये आनंद की तरंगनी है, आखिर है या? क्या पीयूष धारा श्रुति, क्या अमृत की समुद्र ही आ है। कांता साबुतवार ममेन्द्रिय गणा लादान्यता तन्यत्यगात। श्याम सुंदर कह रहे हैं क्या हमारे प्रतीक इंद्रियों को उन्मत्त करने वाली साक्षात श्री जी यहाँ प्रकट हो गए। देखिए प्रेम वैचित्री है, प्यारे श्याम श्री जी के साथ रहते हुए भी श्याम सुंदर की ऐसी स्थिति हुई, और यहाँ विरह में संभोग, संभोग में विरह, विप्रलम विरह एक साथ चलता रहता, एक पलक झपकाते, यहाँ तक कि प्रिया जी श्याम सुंदर के गोद में रहती हैं उस समय भी घबरा जाती हैं कि अरे कौन है, देख करके प्रिया जी के साथ में। अब देखिए गोविंद लीलामृत में एक श्लोक और उद्धृत करते हैं प्रेम वैचित्र्य। देखिए प्रियालाल निभृत निकुंज में हैं और साक्षात प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर की सेवा कर रही हैं, अपने हाथ से श्याम सुंदर को श्रृंगार कर रही, उस रस का स्वादन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं। हा हा भविष्यति मदि क्षणगो चरम की, प्रिया जी के द्वारा श्रृंगारित श्री विग्रह क्या मैं अपने नेत्र से दर्शन कर पाऊंगी, ऐसा क्या मुझे सौभाग्य मिल पाएगा। देखिए श्याम सुंदर को देख करके प्रिया जी की क्या स्थिति होती है, कहते हैं अयम किम कंदर्पः, प्रिया जी कहती है क्या ये कंदर्प है, तो कहते ना 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 कंदर्प का तो शरीर है नहीं, वो तो प्रत्येक शरीर प्राण शरीरधारियों में रहता है। अयम किम कंदर्पः सखल वितन, वो तो बिना तन का है, कंदर्प नहीं है।
तब क्या ये रस रसस्वरा एक क्या रस सागर है, रस राज है? तो रस का साहित्य दर्पण में रसराज ठाकुर जी का एक नाम है रस, तो उसका ये तो धर्म है, धर्मी तो है नहीं, ये रस तो धर्म है, वो तो शरीरधारी है नहीं। तब कहते हैं शरणो धर्मी किंवा मृतम रस निधि, क्या ये रस का निधि है? तो कहते हैं क्या ये रस का समुद्र है? तो समुद्र तो बहुत बड़ा है, ये देखने में तो छोटा लगता है, बहुत मितता है। तब कहते हैं किमुत्फुल्ल प्रेमा भरतर तनुषो, ये क्या ये प्रेम का कल्प वृक्ष है? तो कहते हैं वृक्ष तो स्थिर रहता है, लेकिन ये तो चल रहा है, सूक्त चल रहा। तब प्रिया जी कहते हैं सवासो सवासो मत प्रेयान जयति मम भाग्यम कनु तथा, हमारे कहाँ ऐसा सौभाग्य कि उस रसराज श्री कृष्ण के साथ हमारा मिलन होगा, मैं तो अभागी हूँ। देखिए प्रेम की उच्चतर अवस्था है, विद्यापति जी कहते हैं हमर अभाग हुनक नहीं दूसरे, ये हमारा अभाग है, हम उस रस का स्वादन हम कब मेरे भाग में क्या हम नहीं पूछ सकता। इस प्रकार दोनों एक दूसरे का चिंतन करके तद्भाव भावित हो गए। रूप मंजरी प्रिया जी के वहां पर ले जाती हैं जहां श्याम सुंदर वासक सज्जा नायिका बन करके कुंज को सवार रहे हैं, उस कुंज में प्रवेश कर रहे हैं, प्रिया जी प्रवेश कर रहे हैं, तुलसी मंजरी साथ में है, प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी को देखते हैं, कुछ भी गिरता है पत्ता इत्यादि गिरता है तो घर से बाहर निकल करके प्रिया जी का इंतजार करने लगते हैं। और प्रिया जी अभिसार करती हुई आ रही है, पतति पतत्रे विचलति पत्रे शंकित भव दुपजा रचयति शयनम सचकित नयनम पश्यतौ पंथानि। ये प्यारे श्याम सुंदर वासक सज्जा नायिका बन करके प्रिया जी का इंतजार कर उसी समय का है। प्रिया जी का कभी कभी इंतजार करते करते बंसी भी बजा देते हैं, वो बंसी में प्रिया जी का नाम भी लेते हैं, जो जयदेव पंडित इस रस का चर्चा किए हैं। इंतजार करते करते जब अधिक विक्खल हो जाते हैं, पागल जैसे हो जाते हैं, तब नाम सुने तम कृत संके तम बादयते मृदु बेनु बहुमनुते तनुते तनु संगत पवन चलितम पिरेणु। उस समय प्रिया जी की स्थिति बंसी वादन कर दे तो सखी ससरिया थोड़ा में करा देती, चलो 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 थोड़ा उत्पन्न कराती है, प्रिया जी भी चलने लगती है। अब इस श्लोक में सिंगारितम विदधति प्रियमीश्वरी श्या, प्रिया जी पुष्प सजाई हैं और प्यारे श्याम सुंदर को श्रृंगार करेंगे वहां पर, कृष्ण को श्रृंगार, कृष्णम भूषितम पूर्वती सती, कृष्ण के श्रृंगार कर दोनों एक दूसरे को देख करके बेहोश हो रहे हैं। दुहर से भोर अहेरी पंचबाण के निकला की करल संधा। देखिए प्रियालाल दोनों एक दूसरे का दर्शन करते हैं और दर्शन करते करते उनकी ऐसी स्थिति आ जाती है कि कोई ठहर नहीं पाता है। तुलसी मंजरी प्रिया जी के साथ है, जो जो सेवा मिल रहा है वो कर रही है, पुष्प लाना है, गेरू से प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर की चित्रावली करती हैं, प्रिया जी के रूप को देख करके प्यारे श्याम सुंदर के शरीर में पसीना आ जाता है, और जब चित्रकारी करती हैं प्रिया जी तो पसीना से वो सब एक एक चित्र बहते हुए जा रहा है। और प्रिया जी अब समझ नहीं रही है कि अब मैं कैसे सेवा कर पाऊँ, कैसे सेवा करूँ,
तो उसी समय तुलसी इस रस का दर्शन कर रही है, सखी सहचरियां कुंज रंध्र से देख रही है। प्रिया जी परेशान परेशान हो रही है, प्रिया जी प्रिया श्याम सुंदर के चित्रकारी कर रही है, ये दर्शन करती हैं मंजरियां सखी मंजरियां, लेकिन प्रिया जी कर नहीं पा रही, घाम के चलते पसीना से बह जा रहा है। उसी समय तुलसी मंजरी प्रवेश कर, प्रिया जी अपने नेत्र के इशारे पर करती हैं कि इनका पसीना किसी तरह सुखा पा रहा। तुलसी मंजरी अपने हाथ में पंखा लेकर के जोर जोर से पंखा करने लगी, अब पंखा इतना जोर जोर से करने लगी कि प्रिया जी का एक एक वस्त्र धीरे 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 गिरने लगा। उसको देखकर और पसीना छटने लगा श्याम को, और प्रिया जी अब नेत्र के इशारा से कहे, अरे तुमने क्या कर, तो राधा का अंगद द्युति गौर वर्ण श्री कृष्ण देख करके बेहोश होते जा रहे हैं। दोनों नेत्र भंगिमा से उल्लसित होकर दोनों अनिवर्चनीय रूप माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं। दोनों अपूर्व अंग माधना के महाभाव में उन्नत विशाल रस का एक दूसरे के प्रति आसक्त होकर के दोनों अपने भाव से उन्मत्त हो गए, जैसे विलासी नायक नायिका अपने अंगों पर कुमकुम इत्यादि उस अपने आप छूट जाता है, यह स्थिति हो गई। तुलसी मंजरी आगे आई और आकर के दोनों की ये भाव समझ करके अपना सेवा करना प्रारंभ कर, लीला में स्वामिनी की तृप्ति नहीं हो रही, सेवा करना चाहती है लेकिन ये पूरा नहीं होता। ये सेवा इसी को, सेवा में यदि थकान आ गया तो सेवाधार तो काम हो, सेवा में थकान नहीं होता, सेवा में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, मेरा नगर इसी को प्रेम करते, प्रेम सदा बढ़िबो करे, प्रेम कभी घटता नहीं, अखंड सेवा हो तो सेवा में थकान नहीं होता, थकान उसी को होता है जो सेवा को भार समझ लेता है। प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर की सेवा करते 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 आह्लाद बढ़ता जा रहा है, लीला रस का स्वादन करते करते उनकी तृप्ति नहीं हो रही। अब प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर के सिर पर चूड़ा बांध ले, पुष्प का चूड़ा बने, अब प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी को देखकर उनका सिर हिल रहा है, हाथ कांप रहा है, चूड़ा ढीला हो रहा है, इतना प्रेम उद्रिक दोनों तरह से हो गया कि जो माला पहनाई है माला टूटने लगा। सुंदर ये तुम्हारी अवस्था कैसे हो रही है प्रिया जी, बार बार कह रही है, अच्छा फिर से मैं सजाती हूँ, फिर टूट जाता है, फिर सजाती है, बार बार ये लीला चल रहा है। और श्री जी टूट जाता है फूल तो उनको थकान नहीं होती, फिर नया उत्साह से फिर बनाती, फिर माला पहनाती है, और प्रिया जी कहती है नहीं मैं तो सजा कर छोड़ूंगी, मैं सजाऊंगी। यह सब रस ललितादि सखियां कुंज रंध्र से देख रही हैं, और देखते देखते उन लोगों को इतना आह्लाद आ रहा है कि हम लोगों को तो ऐसा सेवा का सुख मिलता नहीं है, आज जितना सुंदर प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर की सेवा कर रही हैं। मैं सजाऊंगी, थोड़ा सा और बैठ जाओ यहाँ पर, यहाँ रूप मंजरी से बोली, आ रूप कुछ तुरंत पुष्प चयन करके ले आओ। प्रिया जी के आदेश पाते ही रूप मंजरी जी और दौड़ करके गाई, पुनः पुष्प चयन करने लगे, रूप के साथ मन पसंद पुष्प चयन कर रहे हैं। स्वामी जी को कौन सा पुष्प अच्छा लगता है, अरे प्रिया जी का मन ही तो मंजरी है, प्रिया जी को क्या सेवा करना है रूप मंजरी जानती है। स्वामी ने पुष्प लेकर के कुंज में प्रवेश की, रूप मंजरी के साथ पुष्प आभूषण प्राणनाथ को मैं सजाऊंगी। तुलसी कुंज की एक ओर खड़ी होकर के अधीश्वर की इस सेवा का लगन का दर्शन कर रही है, यह परिपाटी देख करके आनंद में डूब गई और सोच रही है ऐसा सेवा तुम्हारे द्वारा ही स्वामिनी संभव है, दूसरा कोई सेवा कर ही नहीं सकता। देखिए प्रिया जी क्या है, राधा जी के रूप मानो प्यास का ही रूप है, हमेशा कृष्ण सेवा के लिए जो प्यासी रहे उसी का नाम है राधा, राधा मानी हमेशा अतृप्त बनी रहे सेवा के लिए, आली प्रीति की रीत निराली, प्याली भरे न खाली हो, ये तो प्याली कभी भरता ही नहीं, प्रेम कभी भरता नहीं,
हमेशा प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं होता है। प्रेमी भक्त सेवा करते करते आधा गया, अब हो गया, थक गया, कोई सेवा नहीं रहा। स्वामिनी जी के इस सेवा परिपाटी को देख करके सखी मंजरियां आनंद सागर में डूब रही और सोच रही हैं, स्वामी ये तेरे द्वारा ही संभव है, दूसरा नहीं कर सकता। इधर स्वामिनी के स्पर्श पाकर श्याम सुंदर को भी सात्विक विकार हो गया, पसीना पुनः छूटने लगा। प्रिया जी ने जो जो निर्माण की थी अलकावली, वो सब धीरे धीरे फिर धीरे धीरे छूटने लगा। स्वामी का संकेत पा करके पुनः तुलसी नागर के पास आकर के हवा करना प्रारंभ किया। देखिए कुंज में यही है, कुंज में क्या होता है, केवल सेवा, नित्य निरंतर सेवा। कभी प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी को सजा रहे हैं, कभी श्याम सुंदर प्रिया जी श्याम सुंदर को, सेवा ही तो है। निकुंज में अनवरत सेवा चलता है, सेवा से थकान होता है क्या। श्वेत पुनः तुलसी की सेवा से नागर का पसीना सूख गया, पुनः पसीना छूट गया। तब तुलसी के मन में थोड़ी कौतुक उपजी, उन्होंने इस परिपाटी को हवा करना पुनः शुरू किया। अब कैसे सेवा की कि ऐसे सेवा कर रही कि प्रिया जी के शरीर का जो दिव्य सुगंध है प्यारे श्याम सुंदर के नाक में गया, घ्राण में। देखिए सेवा, मंजरियां जानती है, अब सेवा कर रही, पंखा डुला रही है, पंखा ऐसे डुला रही है कि प्रिया जी का अंग गंध प्यारे श्याम सुंदर के पास, उस अंग गंध को देख करके निश्चेष्ट हो गए प्यारे श्याम। तुलसी मृदु मृदु हंस रही है, हवा करने की परिपाटी अब बदली। स्वामिनी तिरस्कार की भंगिमा से कटाक्ष से निक्षेप करती हुई दृष्टि द्वारे कहती है, तुलसी तू बड़ी दुष्ट है, हमको तू सेवा करने नहीं देती है, सेवा तुझको नागर की वेश रचना मैं कैसे कर पाऊंगी, ठीक तरह हवा हवा कर जिससे नागर शांत होकर बैठ जाए। स्वामी का अपूर्व तिरस्कार पाकर तुलसी और आनंदित हो गया। इसलिए कुंज में प्रशंसा काल जैसा लगता है, फटकार आनंद देता है। सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, ये निकुंज में प्यारे श्याम सुंदर की जब गोपियां गाली देती हैं तो श्याम सुंदर को वीर स्तुति से भी अच्छा लगता है। आनंदित होकर नई परिपाटी से फिर हवा करना प्रारंभ कर, इस तरह स्वामिनी की अंग गंध श्याम की नासिका में प्रवेश कर उनके लुप्त धैर्य को पुनः लौटा लाया। धन्य है राधा की करियों की सेवा की परिपाटी, जिस सेवा को देख करके बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े महत्पुरुष हैं इन गोपियों की चरण रज की प्रार्थना करने लगते हैं। धन्य धन्य लीला का स्वादन स्वरूप जगाए रखता है मुंह जैसे जीव। ये संसार में हम लोग संसारिक वस्तुओं की कामना करके इधर उधर दौड़ रहे हैं और इस सेवा से दूर भागते जा रहे हैं। यहाँ तक कि अर्चा विग्रह की भी सेवा मिलती है तो भार समझ करके करते हैं। आचार्य चरण कह रहे हैं देखो तू दुर्दशा,